एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी लेकर आए हैं। अगर आप हैं यहाँ पर 10वीं पास मेल फीमेल फ्रेशर्स और चाहते हैं पक्की सरकारी नौकरी पाना, तो बहुत ही सुनहरा मौका यहाँ पर आप लोगों के लिए निकल गया है दोस्तों। नवोदय विद्यालय समिति, जो कि यहाँ पर आपका आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, यहाँ पर निकल गई है आप लोगों के लिए वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट। तो आइए शुरू करते हैं, कौन कौन सी वैकेंसी है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एज क्राइटेरिया मांगा गया, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया, क्या यहाँ पर आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। उससे पहले आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर पोस्ट्स की, तो यहाँ पर वेरियस पोस्ट आउट हुई हैं, जैसे कि स्टेनोग्राफर की, जूनियर असिस्टेंट की, लैब अटेंडेंट की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, एएसओ की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, मेस हेल्पर की, लीगल असिस्टेंट की एंड ऑडिट असिस्टेंट की। लेकिन इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए वो वैकेंसी कवर करेंगे जिसमें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी पहली वैकेंसी के साथ, जो कि रहने वाली है स्टेनोग्राफर की, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आप होने चाहिए यहाँ पर 12th पास। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, जिसमें आपकी स्पीड मांगी 80 वर्ड पर मिनट की, 18 से 27 साल तक की आपकी उम्र मांगी गई है। लेवल 4 के तहत यहां पर आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। बात करी जाए नंबर ऑफ पोस्ट की, वो निकली है यहां पर आप लोगों के लिए 23। अब बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की, वो निकली है यहां पर जूनियर असिस्टेंट की, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आप होने चाहिए यहां पर 12th पास। उसी के साथ साथ यहां पर आपको टाइपिंग आनी चाहिए। यहां पर एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का भी ऑप्शन है, जिसमें लिखा गया है कि अगर आपको यहां पर कंप्यूटर की नॉलेज है तो यहां पर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। 18 से 27 साल तक की आपकी उम्र मांगी गई है। लेवल 2 के तहत यहां पर आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। बात करी जाए नंबर ऑफ पोस्ट की, वो निकली है यहां पर आप लोगों के लिए 21। यहां पर जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी निकली है, वो निकली है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जिसमें आपकी सिंपल 10th पास मांगी गई है। अगर आप है यहां पर मात्र 10वीं पास, तो भी आप यहां पर इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक की आपकी उम्र मांगी गई है। लेवल 1 के तहत सैलरी मिलेगी। बात करी जाए नंबर ऑफ पोस्ट की, वो निकली है यहां पर आप लोगों के लिए 19। अब बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की, वो निकली है लैब अटेंडेंट की, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है दोस्तों कि आप होने चाहिए यहाँ पर 10th पास, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपके पास या तो डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक्स का, या फिर अगर आप हैं यहाँ पर 12वीं पास इन साइंस स्ट्रीम, तो भी आप यहाँ पर इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक की आपकी उम्र मांगी गई है। लेवल 1 के तहत यहाँ पर आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। बात करी जाए नंबर ऑफ पोस्ट की, वो निकली है 161। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी और वैकेंसीज के बारे में। उसके लिए आप एडवर्टीजमेंट को गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर आप उन चीजों को फुलफिल करते होंगे तो आप उन वैकेंसीज के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर लीजिएगा। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। एसटी एससी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का। अब बात करें कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ये करना होगा आपको ऑनलाइन अप्लाई। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भी पे करनी होगी, जो कि रहने वाली है जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपए, एसटी एससी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 500 रुपए। आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लीजिएगा दोस्तों, फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फॉर फर्दर नोटिफिकेशन के लिए वेबसाइट को रेगुलरली गो थ्रू करते रहिएगा। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, वो रहेगा थ्रू एग्जाम ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पर आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है। इस फॉर्म को फिल करने की जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, वो रहने वाली है 19 अप्रैल 2024। यहाँ दोस्तों 19 अप्रैल से पहले पहले आप यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए एडवर्टीजमेंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। एडवर्टीजमेंट को भी आप अपने आप गो थ्रू जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग आर वीडियोज।